Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ पर ठीक है। अच्छा, आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो है यमी यमी से गुलाब जामुन। तो आज मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी आशीर्वाद कंपनी के। ये एक टाइप का रिव्यू भी हो जाएगा कि आशीर्वाद कंपनी के गुलाब जामुन कैसे बनते हैं, रेडी टू मिक्स है। तो आप देखिएगा इसकी रेसिपी। हर बार मैं MTR गुलाब जामुन की रेसिपी बनाती हूँ, अगली बार मैं जब बनाऊँगी तब आपके साथ शेयर भी करूँगी। बट आज हम आशीर्वाद के गुलाब जामुन कैसे बनते हैं वो भी हम डेमो भी दे देंगे, रिव्यू भी दे देंगे और यमी यमी से गुलाब जामुन की रेसिपी। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर है अभी 500 ग्राम चीनी है, इसमें जो और 250 ग्राम ऐड होगी वो मैं फिर जब शुगर सिरप बनाऊंगी तब आपके साथ बताऊंगी। यहाँ पर ये गुलाब जामुन का पैकेट है और डो बनाने के लिए ये दूध लिया है मैंने, फुल फैट मिल्क है। और यहाँ पर जब चाशनी बनेगी शुगर सिरप उसके लिए इलायची है, उसमें हम सिर्फ इलायची ऐड करेंगे। और ये हमारा मिक्सिंग बोल अच्छी खासी है, ये देखिए 500 ग्राम है, 500 ग्राम का है, इजी टू मेक है। और इसमें लिखा है 100 गुलाब जामुन बनेंगे, बट इनके गुलाब जामुन इतने इतने से होते हैं वो हमें मजा नहीं, हमें तो बड़ा गुलाब जामुन। पहले हम इसको अच्छे से पहले हम डो चेक कर लेंगे। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा डो है, ये होना चाहिए। इसको हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा नरम ना हो जाए शुरुआत में, सख्त हो जाएगा तो उसे नरम करना आसान है आटे को। ज़्यादा पहले से ही हम इसे हार्ड नहीं उसका डो बना लेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट स्टाइल बनाएंगे। ये मैंने एक कप जितना दूध लिया है, दूध का मेजरमेंट मैं सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, ये रेडी है डो बन के। बस इसको हम रखेंगे 5 मिनट के लिए, इसको सुला देंगे, रेस्ट करने देंगे, धूप तक आराम कर। ये हमारा अच्छा साफ मतलब डो कंप्लीट। जब तक ये डो रेस्ट हो रहा है वहाँ तक हम बना लेते हैं हमारी शुगर सिरप। 1 2 और ये है आधा मग। और यहाँ पर हमारा शुगर सिरप रेडी हो रहा है और इसके अंदर हम 1 और 2 और 3 कार्डमम को ऐसे करके डालेंगे। शुगर डिसॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम इसमें ऐसे ही हलाएंगे, उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे बॉईल होने के लिए। और हमें चाशनी बनानी है सिर्फ एक तार, ओनली 1 स्प्रिंग ये लगानी है, छोटी छोटी सी गोलियाँ लेकर से प्रेस करते हुए हम इसे बॉल लेंगे ताकि क्रैक ना हो, स्मूथ ना हो, खन्नी ना हो। अब हम इसे फ्राई करेंगे।
रही हूँ। यहाँ पर मेरी चाशनी बनकर रेडी है। आप चाहे तो ये जो इलायची वो निकाल सकते हैं। अभी मैं इसको और बस मटन में गुलाब ये जो मैंने गुलाब जामुन कर लिए हैं। Look at this. आधे में ही पूरा मेरा। गुलाब जामुन इतने सॉफ्ट बने हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। कुछ ज्यादा ही ये सॉफ्ट है और मुझे इसे हाथ में लेते हुए भी डर लग रहा है कि कहीं ये टूट ना जाए। फिर भी हम लेंगे, हम तो खाएंगे। यम्मी, लुक एट दिस। इसको देखिए, बिल्कुल भी अंदर से कच्चे नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट है, मॉइस्ट है और यमी है। टू मच यमी। बस मैं आपको छोटी सी टिप देना चाहूंगी। आपको क्या करना है, जब आप आपके शुगर सिरप यानी कि चाशनी जब बनाते हो तब आपको ज्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, पतली बनानी है, अबाउट एक तारकी। उससे ज़्यादा आपको कुक नहीं करनी है, बिकॉज वो जितनी गाढ़ी होगी वो इतने ये आपको जो हलवाई वाले जो गुलाब जामुन मिलते हैं वैसे नहीं मिलेंगे। मैं ये खाते खाते ही आपके साथ व्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ। तो बस हमारा ये जो है आशीर्वाद गुलाब जामुन रिव्यू, ये बहुत अच्छे है, रिव्यू दे देती हूँ मैं। ये बहुत अच्छे हैं। अभी तक मैंने गिट्स के और MTR के ही ट्राई किए थे, बट आज मैंने इसके ट्राई किए। प्लीज़ रिकमेंडेड, मेरी तरफ मेरी गारंटी पे आप ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनेंगे, आपके पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएंगे। ये मैंने लिया था 235 का, मुझे डिस्काउंट में 200 का मिला था। और बस मैंने आपको मैंने इसकी प्राइस भी बता दी है। तो बस देर किस बात की है, जल्दी जल्दी से यमी यमी गुलाब जामुन बनाइए। इंस्टाग्राम पर जब भी बनाओगे मुझे टैग करना मत भूलना, हीना मंसूरी 4294 मेरा इंस्टा आईडी है।
और इस ब्लॉग के नीचे कमेंट कर दीजिएगा अगर आप ट्राई करो तो रमजान में, ईद में, अभी दुआ की जरूरत है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जी अल्लाह हाफिज, रब राखा।